तुम्हारी अनछुई हुए, तुम्हारी होंगी तुम्हारी हमेशा के लिए। मुझे तो वहाँ पर 72 हूर मिलेंगी। अरे तुम में कोई सहूर नहीं, तुम्हें 72 हूर मिलेंगी। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। 72 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा। ये वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो याशी। Assalamualaikum to everyone. I hope you are fit and fine. मैं आज आपके लिए फिर से रिएक्शन वीडियो लेके आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड। आप स्टार्टिंग में देख लिया होगा, उसका टाइटल के बारे में जान ही लिया होगा, ये किस पे मूवी। आज की मूवी जो हमारे 72 हूरों पर जो एक मूवी रिलीज़ की गई, उसका ट्रेलर निकला हुआ है, उस पर हम रिएक्शन देने वाले कि इसके बारे में क्या बताया गया 72 हूरों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड तक, ताकि आपको इनके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो कि 72 हूरों का क्या जिक्र किया गया है इस मूवी में। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कुंवारी अनछुई हुए तुम्हारी होंगी तुम्हारी हमेशा के लिए। कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। तो सब बता रहे हम लोग, अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ जन्नत में है भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है, और जन्नत कहाँ है? अल जन्नत उल तहता अक्दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के कमरे में जैसी वो आती थी उठ के बैठ जाते थे उनके सम्मान में। और इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? कनीज। महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी, ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उसमें भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है, मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। जन्नत में अय्याशी है, 72 हूरें मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो। कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही है? कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा, आपको अगर एक टाइम पे दो मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। शरीफ औरतें जाएंगी, शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियां हो। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है। नेचर ही बिगड़ जाए तो, एक नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सतार, सतार को छुपुक्तगीन, छुपुक्तगीन को अब्दुल शकूर को, ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। एक आदमी को शौक ही मेल्स का है, अब वो कह रहे हैं जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा? तू पहले ये तो साबित कर, तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है वो औरत औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए? पर वो बकरी तो पर जाएगी थोड़े दिनों में। वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरे और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात है? आज हमारे साथ में एक भी मुस्लिम भाई आएगा, कहेगा महाराज चाय पी लो, मैं डर जाऊंगा, पता नहीं
यहाँ कब लेके आया है और बगल में चाकू लाया तो ये तो कह देगा कि मैं तो फक्र से करूंगा, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मुझे तो वहां पर बेहतर हूर मिलेंगी। अरे तुम्हें कोई सऊर नहीं, तुम्हें बेहतर हूर मिलेंगी। किसी का सर काट के बेहतर हूर पाने की इच्छा रखते हो और ये ज्ञान गलत बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरीके की फिल्में बननी नहीं चाहिए। हूरों का मामला, जन्नत का मामला या जहन्नम का मामला है, ठीक है, वह हमारे नज़दीक जो भी है, हमारे अल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूल पाक के फरमान के मुताबिक, तो हमारे हुजूर ने जो हमें बात बताई है हम उसी को फॉलो करेंगे। देखिए सर, ये जो है ना सब नफरत फैलाने की जो है ना मशीनें बना रखी हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी फिल्में बना करके, जैसे कश्मीर फाइल है, केरला है, अभी बेहतर हूर बना दी, तो ये सब बकवास है। ये देश को जलाने और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है। आज की मीडिया कहती है कि मुसलमान दहशत गर्द है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। कई बार वही इंसान, वही काम, लेकिन उसको दिए जाते दो अलकाब। मैं आपको मिसाल दूंगा, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत करते थे, उस वक्त कई हिंदुस्तानी इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को लकब दिया गया था अंग्रेजों ने दहशतगर्द का। वही इंसान हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो देशभक्त है, कि वो पेट्रियट है। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब। अगर आप अंग्रेजी हुकूमत से सहमत है, उन नजरिए से सहमत है कि उनको हक था हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, तो आप बेशक इन लोगों को कहेंगे कि दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो आप इन्हें कहेंगे कि ये दहशतगर्द नहीं है, देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब। इसीलिए लकब देने के पहले आपको ये तहकीक करने पड़ेगा कि किस वजह के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं या किस वजह के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको और एक मिसाल दूंगा। सन 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था, अंग्रेज यूएसए पर हुकूमत कर रहे थे और कई लोग अमेरिका के अपने देश की आज़ादी के लड़ रहे थे। ये अंग्रेज उन्हें कहते थे दहशतगर्द, और उस वक्त ये अंग्रेज कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन। जब यूएसए को आज़ादी मिलती है, वही नंबर वन दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का जॉर्ज वॉशिंगटन, वो बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है यूएसए का प्रेसिडेंट। इससे हमें यह अंदाजा होता है कि जो भी ताकतवर है, वो जो भी लकब देता है वो इंसान को, चाहे सही या गलत है, वो लकब उसे चिपक जाता है और दुनिया उसे मानने लगती है। ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम का उसूल ये है कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी आपके पास कोई पैगाम आता है, कोई इल्म हासिल करते हैं आप, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। लेकिन आज की तारीख में जो भी ताकतवर लकब देता है, दुनिया उसे मान लेती है। मैं आपको और एक मिसाल दूंगा। साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले गोरे उन पर हुकूमत करते थे। इट वॉज कॉल्ड एन अपार्थेड सिस्टम, जो रंग में भेदभाव करते हैं। गोरे समझते थे कि हम सुपीरियर है, हम और आला है, हम ऊंचे इंसान हैं। उस वक्त गोरों ने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करके 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर रखा था, और उस वक्त कहते थे गोरे कि नेल्सन मंडेला दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है, वही सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द बन जाता है न्यू साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट।
चंद साल बाद उसी इंसान नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। क्यों? नहीं कि वो बुरा इंसान था और अच्छा बन गया, उसी काम के लिए जिसके लिए उसे 25 साल से ज्यादा कैद कर रखा था, उसी काम के लिए उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सोच सकते, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये सारा मीडिया का खेल है, जिसको चढ़ाने का चढ़ाती है, जिसको उतारने का उतारती है, दिन को रात में तब्दील करती है, रात को दिन में, काला को सफेद, सफेद को काला, मीडिया को काला को सफेद साबित करना आसान है, सफेद को काला साबित करना आसान है। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो मुकम्मल देखी ली, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस वीडियो में समझाया। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ।